हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आप लोग जैसे कि भली भांति जान रहे हो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप होना बंद हो चुका है। अब ओटी टेक्नीशियन का जब फॉर्म फिलअप होना बंद हो चुका है तो अब सारे कैंडिडेटों के माइंड में कट ऑफ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ से आपके एक अनुमान लग जाते हैं, एक आपको लग जाते हैं कि आपका काउंसलिंग होने वाला है या नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इस पर फॉर्म कितना अभी तक भराया है ये भी मैं बात करूंगा, कट ऑफ कितना तक जाएगा ये भी बात करूंगा, और दोस्तों फॉर्म सुधार का मौका मिलेगा कि नहीं इस पर भी बात करूंगा। तो पूरा कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग इसी तरह के नई नई रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसीज वाला चैनल के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, आपको टाइम पर मैं वीडियो देता रहूँगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस पर हैं और ये ऑफिशियल नोटिस को आपको एक बार फिर से समझना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग ये जो शल्य कक्ष ओटी के लिए जो अप्लाई किए हो इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी मिलेगा। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ कवर कराऊंगा। सबसे पहले मैं दोस्तों यहां पर ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि चूंकि कटऑफ के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको चयन जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसको जानना जरूरी होगा। सबसे पहले आप लोग को मालूम नहीं है तो बिल्कुल एक बार फिर से देख लें कि इंटरमीडिएट ट्वेल्थ में जो अंक है, जो जितने अंक है प्रतिशत में, उसका 30% अंक लिए जाएंगे। अगर आपने ओटी का अगर डिप्लोमा कर रखे हो या फिर बैचलर कर रखे हो तो जितने प्रतिशत आपने इसमें अंक प्राप्त किया उसका 25% अंक लिया जाएगा। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किए हो, जैसे कि बीएससी नर्सिंग फिर या एमएससी नर्सिंग, तो आपको 10-10 अंक मिलाकर के 20 अंक दिए जाएंगे। और एक साल का एक्सपीरियंस है तो 5 वर्ष और मैक्सिमम 25 अंक, यानी 5 वर्षों तक के लिए होगा, जिसमें आपको 25 अंक दिए जाएंगे और टोटल 100 अंक मिला करके यहाँ पर आपको एक मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा ये चीज़ आपने देख लिया। अब हम आपको लेकर के चलेंगे कट ऑफ की तरफ, और कट ऑफ से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं फॉर्म के बारे में। फॉर्म फिलअप कितना हुआ दोस्तों, फॉर्म फिलअप कितना हुआ ये आपको मैं एक अनुमानता बता देता हूं, जो कि आपको 8 सितंबर तक जो फॉर्म भरने का डेट था उसके अकॉर्डिंग जो अभी हमें जानकारी प्राप्त हो वो मैं बता देता हूं। अभी ऑफिशियल जानकारी हम नहीं लिए हैं, लेकिन लास्ट डेट में जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 45,000 के प्लस स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किए होंगे। चूँकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 7 सितंबर को, यानी कि मैंने जब ये चेक किया था कि जो फॉर्म अप्लाई करने का, वो यहाँ पर 45,000 के तक रजिस्ट्रेशन आ चुके थे, तो उसके अगला दिन तक मान सकते हो 45-50 हज़ार के बीच में आपका फॉर्म अप्लाई यहाँ पर हुआ है। लेकिन टोटल सीट सिर्फ और सिर्फ 1,096 है, तो 45,000 कैंडिडेटों में से जो यहाँ पर बात करोगे तो 45,000 कैंडिडेटों में से सिर्फ 1,096 स्टूडेंटों को लिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपके मन में बात होगा कि काउंसलिंग के लिए, तो मैं बता दूँ दोस्तों कि काउंसलिंग के लिए आपको 1.5 गुना कैंडिडेटों को बुलाए जाते हैं। तो 1,096 को 1.5 गुना आप लोग कर दीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर कितना आ जाएगा देख सकते हो, 1,000 और 1,000 का आधा 500, यानी कि 550 यहाँ पर रख सकते हो, यानी कि 1,600 कैंडिडेट आसपास में रख सकते हो। 1,600 कैंडिडेटों के यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे और इन 1,600 में से 1,096 का मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। तो फॉर्म फिलअप की संख्या 45,000 से 50,000 के बीच ही है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कट ऑफ की तरफ। दोस्तों, ये मार्क कैलकुलेशन भी आप लोग एक बार समझ लीजिए, मेरिट लिस्ट बनाने का मार्क कैलकुलेशन, फिर आपको कट ऑफ समझने में और आसानी होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 12th क्लास में आपके पास 50% अंक है, एक एग्जांपल के थ्रू, तो 50% अंक है तो उसमें 0.3 से गुना करिएगा, चूँकि 30% अंक लेंगे इसीलिए, तो आपके पास 15 अंक आ गया। मान लीजिए है कि ओटी किए हो आपने और ओटी में आपके पास 60% अंक है तो उसका 25% अंक लिए जाएंगे, तो इसमें 15 अंक हो जाएगा, तो टोटल इस तरह से आपके पास 30 अंक हो गया। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि 12th पास आउट हो 50% अंक के साथ, तो 0.3 से गुना करेंगे तो 15 अंक मिलेगा। ओटी अगर आपने पास आउट किया 60% अंकों के साथ तो 25% अंक लेंगे तो 15 हो गया। और आपके पास एक्सपीरियंस अगर मान लेते हैं
2×5 है, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक मिल जाएंगे। इस तरह से इन तीनों को अगर हम लोग एक साथ ऐड करेंगे तो 40 हो जाएंगे, यानी कि आपके पास 40 अंक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपने समझ गया कि किस तरह से अंक कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास 12th है जिसमें 50% अंक है, 15 अंक मिलेगा। OT है जिसमें 60% अंक है, 15 अंक मिलेगा। BSc नर्सिंग है तो 10 अंक, MSc नर्सिंग है तो 10 अंक, और एक्सपीरियंस भी है 2 साल का तो 10 अंक। इस तरह से टोटल अंक कैलकुलेट करेंगे तो 60 अंक यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना पॉइंट का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब मैं कट ऑफ की तरफ बढ़ता हूँ। बता दो दोस्तों, एक अनुमानित कट ऑफ है, एक जो कैलकुलेशन हुआ आपके मार्क को देखते हुए जो आपने कमेंट किया था उसके आधार पर, तो उस आधार पर हमने ये कट ऑफ तय किए हैं। दोस्तों ये पॉइंट में है, पॉइंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे आपने देख लिया। तो जनरल कैटेगरी के हो और अगर आपके पास 48 पॉइंट बन रहे हैं, 48 अंक अगर आपको बन रहा है 12th OT एक्सपीरियंस सारे चीज़ को मिला करके, तो जनरल में आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। EWS वाले को 40 अंक बनना चाहिए, 40 अंक आपके पास होना चाहिए OT का मार्क मिला करके, उसका 12th में जितना प्राप्त किया उसको मिला करके, और एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास और भी कोई डिग्री है तो सारे को कैलकुलेशन करने के बाद 40 अंक अगर आपके पास आ रहा है 40 पॉइंट, तो आपका भी यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं OBC की तरफ बढ़ूंगा और OBC के लिए मैं बात करूंगा कि 38 पॉइंट का, सिर्फ 38 पॉइंट चाहिए, 38 पॉइंट आपके पास होना चाहिए OT मिला करके, 12th मिला करके, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी ऐड करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, OT और 12th तो सबके पास होगा। तो बिल्कुल रूप से आपको 38 अंक यहां से अगर आपने प्राप्त कर लिए हैं तो आपको भी काउंसलिंग में बुलाए जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज बनते हैं। EBC वाले की मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पर OBC को ही BC कैटेगरी बोला जाता है, कितना आदमी हमें बोलते रहते हैं कि सर क्या होगा, BC और OBC एक ही चीज़ होते हैं, तो यहाँ पर BC हम लोग बिहार में कहते हैं, तो BC और EBC, तो ये OBC को आप लोग अगर वो हटा सकते हो, यहाँ पर BC कैटेगरी सीधे बोल सकते हो, ठीक है। अब EBC के लिए मैं बताऊंगा, तो EBC के लिए 37 अंक होना चाहिए, 37 अंक है तो आप श्योर रहिए आपको भी यहाँ से काउंसलिंग के लिए बिल्कुल रूप से आपको बुलाए जाएंगे। फ्रेंड्स आगे मैं बात करूंगा SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी के लिए थोड़ा कम होते हैं EBC से, EBC में थोड़ा कम होते हैं क्योंकि SC को यहाँ पर स्टूडेंट कम होते हैं और इसको थोड़ा छूट भी ज़्यादा है, तो SC को यहाँ पर 35 अंक चाहिए, 35 पॉइंट चाहिए इसको अपना मेरिट लिस्ट काउंसलिंग में आने के लिए। तो 35 अंक अगर आपके पास कैलकुलेशन करके आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल रूप से बुलाए जाएंगे। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट, ST के जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो उसका संख्या थोड़ा कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 36 इसका अंक जाएंगे, ST से SC से ज़्यादा यहाँ पर हमेशा जाते हैं, तो ST का यहाँ पर सीट भी कम रहते हैं SC के कंपेयर में और संख्या में थोड़ा ये रहता है, इसीलिए इसका 36 अंक यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। तो आपके पास अगर 36 अंक आ रहे हैं, 36 तो बिल्कुल रूप से आप श्योर रहिए। WBC की बात कर लोगे तो WBC वाले 36 अंक हैं तो आप भी श्योर रहिए, आपका भी यहाँ पर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आपने यहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देख लिया सारे कैटेगरी का, अब आप लोग कंफर्म रहिए इसके आसपास आ रहे हैं तो इस अनुमानतः कट ऑफ के आसपास, तो आपका काउंसलिंग बुलाए जाने के ज़्यादा चांसेज यहाँ पर बनते हैं। दोस्तों इसी तरह के नई कोई और डॉट हो तो कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा, बहुत वैकेंसीज आया हुआ है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहने देते हैं, बाय बाय।